हेलो 1 2 3 माइक चेक चेक चेक। तो दोस्तों मेरी ऑडियो आपको आ रही होगी और मेरे और माइक के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 फीट का डिस्टेंस है। दोस्तों जो ये माइक लगा है वो है DT D3 Pro, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैंने जो साउंड का लेवल है वो 10 सेट किया है और 75 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो की ऑडियो कैसी आ रही है दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप रोड NTG की तरफ जाना चाह रहे हैं जो 24,000 के आलमोस्ट जो है अमेजन पे लिस्टेड है और ये आपको 16,000 में मिल जाएगी। दोनों में जो डिफरेंस है वो 8,000 का है जो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो आपको वो रोड NTG की तरफ जाना चाहिए या फिर 16,000 में आपको DT का माइक्रोफोन ला के इसको यूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि दोस्तों 8,000 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ऑडियो क्वालिटी में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग सेम है। तो दोस्तों आज मेरे पास है एक बेहतरीन प्रोडक्ट और ये है DT D3 Pro। इसका कंपटीटर है रोड का NTG। अब रोड की NTG जो अमेजन पे लिस्ट करती है उसका मैं प्राइस आपको दिखाता हूँ। जो रोड का शॉटगन माइक है वो अमेजन पे जो लिस्टेड है वो 30,994 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 24,000 का है। और वहीं जो है आपका जो DT D3 Pro ये कितना लिस्टेड है, DT D3 Pro, और जो DT D3 Pro लिस्टेड है वो है 16,319। तो आपका रोड NTG जहाँ 24,000 का था वहीं आपका DT D3 Pro जो है वो 16,000 के आसपास है। मतलब जो रोड NTG के शॉटगन माइक में और DT D3 Pro के माइक में जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो लगभग ऑलमोस्ट 8,000 का डिफरेंस है। अब 8,000 का डिफरेंस वर्दी है कि नहीं, मतलब आपको उस 24,000 के रोड NTG के साथ जाना चाहिए कि ये 16,000 के आपको DT D3 Pro के साथ जाना चाहिए। दोनों ब्रांडेड कंपनी है, दोनों के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, तो आज इसी को हम लोग देखने वाले हैं। अभी जो आप लोग वॉइस सुन रहे हैं वो DSLR कैमरे पे, मैंने कोई भी मतलब कि माइक नहीं लगाया है, डायरेक्ट DSLR कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ इस पर और देखते हैं कि आवाज़ में कितना सारा फ़र्क आने वाला है। उसके पहले थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं अनबॉक्सिंग पहले ही कर चुका हूँ तो अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है, लेकिन अब इसको हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। आइए प्रोडक्ट को देखते हैं। तो ये है आपका DT का NTG माइक, बिल्कुल नेकेड माइक, और इस पर आप जो है नॉइस को कट करने के लिए, विंड को कट करने के लिए इस पर आप इसको लगा दीजिए, इसका विंड कटर। ये हो गया इंस्टॉल। और ये जो आपका केबल दिख रहा है इसको यहाँ पे करना है इसको फिट, यहाँ पे जो प्लग दिया है यहाँ पे इसको प्लग इन करना है। इस तरह से अच्छे से मैंने इसको कर दिया प्लग इन, और ये वाला जो एंड है ये आपके DSLR में लग जाएगा। यहाँ पे इसको अभी मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी दी गई है, आप 75 या 150 पे आप इसको फ्रीक्वेंसी पे आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसका जो है कितना वॉल्यूम आपको चाहिए उस हिसाब से आप 1-2 करके आपको 0 से लेकर 10 तक यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्ट करने को दिया गया है। तो ये इसका बेसिक सेटिंग हो गया। तो आइए इसको पहले हम लोग इंस्टॉल करते हैं DSLR कैमरे पे और फिर देखते हैं कि अभी के आवाज़ और तब की आवाज़ में कितना फ़र्क आता है। डिस्टेंस इतना ही मेंटेन रखेंगे जितना अभी है, लगभग 1.5 फीट के आसपास। तो आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। मैंने माइक DSLR के ऊपर लगा दिया है। अब माइक में आपको एक ऑन करने का बटन होता है साइड में, जहाँ से प्लग इन करते हैं उसी के जस्ट बगल में ऑन करने का एक बटन है, थोड़ी देर प्रेस करने पर वो ऑन हो जाता है, तो उसको ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों माइक मैंने DSLR के ऊपर लगा दिया है और डिस्टेंस वही है 1.5 फीट के आसपास। वॉइस में, साउंड में कितना फ़र्क आ रहा आप आसानी से देख सकते हैं। मैंने जो ऑडियो का लेवल सेट किया है वो फुल सेट किया है 10। ये जो मैंने सेट किया है डिस्टेंस वही है और ऑडियो का लेवल सेट हो गया है 5। तो आपको वॉइस में कुछ फ़र्क दिख रहा होगा, कैसा आपको आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं कि वॉइस में कितना फ़र्क आया है इसमें। फिर अब ऑडियो के लेवल को आप 0 करते हैं और देखते हैं कैसा ऑडियो आता है। और ये जो है ऑडियो का लेवल हो गया 0, इसमें कैसा ऑडियो कैप्चर हो रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखते हैं। अभी जो जिस फ्रीक्वेंसी पे ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या वीडियो में जो ऑडियो आ रही है वो है 75 फ्रीक्वेंसी पे। इसमें कितना बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे रहा है
और इसी को अब हम लोग चेंज करते हैं 150 हर्ट्ज पे और देखते हैं कि कैसा वॉयस आता है, कैसा ऑडियो कैप्चर होता है। तो ये जो सेट हो गया है वो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 150 हर्ट्ज पे। तो 150 हर्ट्ज की वॉयस कैसी है ये आप देख रहे हैं। और ठीक, मैं बटन को क्लिक करके 150 हर्ट्ज से इसको मैं स्विच कर दे रहा हूँ 75 हर्ट्ज पे। तो 75 हर्ट्ज पे ऑडियो कैसा आ रहा है, बैकग्राउंड की नॉइस कैसी है आप देख सकते हैं। तो इतना सारा कुछ आपको सेटिंग करने को इसमें मिल जाएगा और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, वॉइस क्वालिटी भी इसकी ठीक लगी। डिस्टेंस में कैसा ऑडियो कैप्चर करता है, कैसा ऑडियो लेता है वो देखते हैं। अभी मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा हूँ, डिस्टेंस धीरे धीरे मैं पीछे अपना बढ़ा रहा हूँ, उससे ऑडियो में कितना फ़र्क आ रहा है आपको वीडियो में अच्छी तरह से सुनाई दे रहा होगा। ऑलमोस्ट मैं यहाँ से वहाँ तक जो डिस्टेंस अभी 12 फीट के आसपास ये डिस्टेंस है, क्योंकि टोटल जो है 16 फीट का है, तो 12 फीट के आसपास का डिस्टेंस है। तो यहाँ से ऑडियो कैसी आ रही है और फिर मैं धीरे धीरे नज़दीक आ रहा हूँ तो फिर ऑडियो में कितना फ़र्क आपको आ रहा है। वैसे तो ये जो माइक है मेनली व्लॉगिंग के लिए है, आपको नज़दीक से ही वीडियो शूट करना होता है तो आपको बहुत डिस्टेंस वाले ऑडियो से कोई मतलब नहीं है। और सबसे ख़ास बात कि इस माइक को आप DSLR के ऊपर आगे पीछे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने काफ़ी नज़दीक चाहिए माइक तो यहाँ से आप इसको ढीला करके और इसको आप आगे की तरफ एडजस्ट कर दीजिए। जैसे माइक को मैंने काफ़ी अपने नज़दीक कर दिया, काफ़ी नज़दीक आने से ऑडियो थोड़ी सी और इन्हेंस हो जाएगी। तो जहाँ बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा हो और माइक आपको अपने और पास चाहिए तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, और इसी माइक को आप पीछे एडजस्ट कर दीजिए तो ये माइक पीछे एडजस्ट हो गया है और दोनों के ऑडियो में आपको कुछ बेसिक फ़र्क दिख रहा होगा। एक ही वर्ड जो है चार अलग अलग डायरेक्शन से बोलूँगा ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि ये माइक जो है अलग अलग डायरेक्शन से कैसे ऑडियो कैप्चर कर सकता है। तो सबसे पहले मैं फ्रंट से बोलता हूँ, हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग राइडर अड्डा। और मैं अब अगेंस्ट माइक बोलता हूँ, हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग राइडर अड्डा। इसके साइड से मैं बोलता हूँ, हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग राइडर अड्डा। और ये बैक से ऑडियो है, हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग राइडर अड्डा। तो दोस्तों आपको फ़र्क दिख रहा होगा कि अलग अलग डायरेक्शन से ये कैसे वॉइस कैप्चर करता है। जहाँ DT क्लेम करती है कि इसका बैटरी बैकअप 51 आवर का है, रनिंग टाइम इसकी 51 आवर की है, वहीं आपका जो रोड करंट DG है उसका जो बैटरी बैकअप वो 30 आवर के आसपास है। तो इस मामले में रोड से ये बेहतर है आपका DT, आपको इसमें ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। मतलब एक बार आपने चार्ज कर लिया, अगर आप डेली के 2 से 3 घंटे की व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप 10 दिन इसे व्लॉगिंग करते रहिए, आपको कोई हेडेक नहीं होने वाला है, आपको बार बार बैटरी चार्ज करने का टेंशन नहीं रहेगा। तो क्लियरली जो है बैटरी के मामले में विनर है। अगर ऑडियो की बात करें तो ऐसा कोई ऑडियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, दोनों को ऑडियो तो मुझे काफ़ी सेम लगा। पहले मैं रोड का NTG भी यूज़ कर चुका हूँ, मेरे दोस्त का था, मेरा नहीं था, उसकी ऑडियो क्वालिटी और जब मैंने इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनी तो बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं लगा। तो ऐसे में 8000 एक्स्ट्रा खर्चा करके मैं वो लूँ, रोड मुझे नहीं समझ में आता, मैं 8000 कम खर्च करूँगा, ऑडियो लगभग उसके सेम मिलेगी और जो बैटरी बैकअप है वो मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक वाइस डिसीजन होगा इसके तरफ जाना, DT D3 Pro की तरफ जाना, रेदर देन गो विथ रोड NTG माइक।